बोलो बोलो, आई हेल्प लो पहले। जय हो। ये जोर से बोल। पहाड़ी नींबू उत्तराखंड का हाँ। यहाँ पर बनाया जा रहा है। अच्छा। और भाभी जी बना रहे हैं और भाई साहब गाइड कर रहे हैं। अब ये पूछो उनसे कि क्या क्या डाला इसमें। अब भाभी जी आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या डाला है और कैसे बनाया जा रहा है इसको। हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज आपको मैं पहाड़ी नींबू का स्वाद चखाती हूँ कि हमारे उत्तराखंड में पहाड़ी नींबू कैसे बनाते हैं। इसको मैंने पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उसके सारे छिलके वगैरह सब निकाल नकुल के बिल्कुल इस तरह से इसको बनाया है। और इसके अंदर मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, गुड़, थोड़ा सा सरसों का तेल और दही, ये चीज़ें मिला के इसको मिक्स किया है। और अब हम इसको थोड़ी देर में खाने की तैयारी करते हैं कि ये कैसा लगता है। ये देखो इसका ये कलर आया है इसका। इसमें यह है पहाड़ी नींबू। गुड़ गुड़ कितनी मात्रा मिलाया जाता है इसमें? यह तो अंदाजा से जितना है, जितनी क्वांटिटी है उस हिसाब से आपको नमक, मिर्च, हल्दी थोड़ा कम डालते हैं और कई लोग तो डालते ही नहीं है, लेकिन हम लोगों ने डाली है। और 2 से 4 ड्रॉप करीबन सरसों का तेल डलता है इसमें। बाकी अगर नींबू की क्वांटिटी कम है तो आप इसमें और फ्रूट्स डाल सकते हैं, जैसे केला है, सेब है, किन्नू है, लेकिन पहाड़ में हम लोग सिर्फ नींबू बनाते हैं। अब काट ले। नमस्कार। देखिए नींबू के बारे में आपको मेरी वाइफ ने पहले बता दिया, भगवती पांडे जी ने बता दिया कैसे कैसे बनाया। लेकिन इसकी खासियत क्या है कि अगर जैसे ही आपको मिलेगा आपके मुंह में पानी आ जाएगा, और पानी इतना आ जाएगा कि बस जब तक मिलेगा नहीं तब तक जो है ऐसा लगे यार मिल ही जाए तो ठीक है, लेकिन जो नहीं भी खाने वाला होगा उसके मुंह पानी अपने आप ही आ जाएगा। ये इसकी खासियत होती है नींबू की। दूर से भी कोई जा रहा होगा, नींबू बना रहा होगा तो उसके मुंह पानी आ जाएगा। ये सिर्फ पहाड़ी बता सकते हैं आपको, क्योंकि वहाँ प्रयोग ज्यादा होता है इस चीज का। बाकी जो नहीं खाते, जो बनाते नहीं, उनको नहीं पता होगा चीज का, लेकिन बहुत बढ़िया बना हुआ है। मैं खा के दिखाता हूँ आपको, बड़ा टेस्ट आएगा इसमें आपको। चटकारा मारता हूं। इसके अंदर विटामिन सी की भरपूर मात्रा है, भरपूर मात्रा। और भी आज धूप भी थोड़ा निकली है, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। हमारे दीदी लोगों ने नींबू बनाने का बहुत बहुत धन्यवाद, हमको भी मिल रहा है यहाँ पर खाने का मौका। नींबू खत्म आ रहा। आप दीदी के दी हो? नींबू खत्म आ रहा। ये नींबू तो इनके घर से आया है, इनके बच्चों ने भेजा है। बोलो बोलो। ये देखिए, ये है नींबू और ये मैं खा रही हूँ। अब मेरे मुंह देखना जरा आप लोग, ऐसा स्वाद आ रहा है। और ये नींबू भी मेरे को गांव से मेरे भतीजे ने भेजा है और स्पेशली हम लोग के लिए भेजा। 5 भेजे थे, 3 हमने आज बना लिए, 2 हमने अभी रखे हैं। जिसने खाना है हमारे घर आ जाओ। इसका स्वाद अच्छा, इधर दे जरा। जिसको स्वाद अच्छा लगे वो यहाँ पर आ सकता है हमारे घर में। घर का एड्रेस मैं नहीं बताता आपको, लेकिन ढूंढो आप मेरा घर कहाँ है, तो आप आ जाओ, बहुत अच्छा लगेगा। झन्नाटेदार आपको मतलब जो है नींबू खिलाया जाएगा, झन्नाटेदार आपके चेहरे की और लाली लाई जाएगी और ब्रह्मांड तक ये पहुँचेगा इसका स्वाद। वाह, मजा आ गया, मजा मजा, बढ़िया बन रहा है, मस्त।